राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसे सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ सुबह का ही टाइम हो रहा है और भी खाना बनना है, लेकिन नंदिनी का रायता का मन था तो बोली पहले मैं रायता बनाती हूँ। रायता बना रही है प्याज वाला, मतलब बूंदी भी डाली हुई है लेकिन प्याज हरी मिर्च डाल के, ये मतलब प्याज वाला रायता मैंने तो नहीं बनाया पहले, आज नंदिनी बना रही है। तो बोले थी मौसी जी एक बार खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई तो करिए। देखिए मैं बना रही हूँ तो मैंने, चलो तुम बना रही हो तो अच्छा ही बनाओगी। तो यहाँ तड़का देने के लिए उसने रख दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें जीरा और हींग डाल के तड़का देगी। बूंदी कमी है, तो यहाँ उसने तड़का दे दिया है, मैं दिया है उसकी हेल्प के लिए। जो जो सामान उसे नहीं मिल रहा था किचन में, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं कौन चीज़ कहाँ रखी हुई है, तो वो सारी चीज़ें देखने भी जा रही थी। तो यहाँ ये उसने तड़का भी नहीं दिया है, तड़का दे रही है। बीच में बंद कर दिया था, तेल गर्म हो गया था और हींग नहीं मिल पाई थी, जीरा भर मिल गया था, तो वही मुर्गी दिया है। तो अब दे रही है तड़का, जो चीज़ मैंने नहीं बनाई वो चीज़ ट्राई। जब जब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, उसको नीचे उतार के रखा हुआ था, काफ़ी गर्म था कपड़े से। इसका ये तो हैंडल था ना, वो निकल गया था, लकड़ी का था, वो निकल गया था, तब से थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होती है। मैं दूसरा लेके आऊँगी, अभी इसी से ही काम चल रहा है। और नंदिनी का रायता तो बन गया है। यहाँ मैं कद्दू काट रही हूँ, कद्दू बनने वाला है कैरी डाल के, और नया आम आ ही रहा है, आम डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैं कद्दू काट रही हूँ और सब्जी भी जो है कद्दू की बनने वाली है। तो यहाँ देखिए मेरी बन रही है सब्जी, और साथ में मैंने आटा लगाने के लिए मशीन लगा दी है। ये मैंने अगानू की अमेजोन से जो रॉयल स्टैंड मिक्सर मंगाया हुआ था उसमें आटा लगा रही हूँ। बहुत फास्ट आटा लग जाता है, जिससे क्या है इसमें आटा लगाने के लिए रख देते हैं तब तक हम और दूसरा भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी स्पीड सेट कर दी है, जिस स्पीड में ये आटा लग रहा है, बहुत ही जल्दी आटा लग के तैयार हो गया। तब तक मैंने बर्तन भी धुल लिए, तब तक आटा भी लग गया, मतलब मेरे आधा ही बर्तन ही धुल पाए थे तब तक आटा लग भी चुका था। तो ये देखिए आटा लग रहा है, और मुझे ये ना प्रोडक्ट सच में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ देखिए आटा लग के हो गया है रेडी, और सच में नंदनी जैसा बोल रही थी, देखने में बहुत यम्मी दिख रहा है इसका रायता। तो ये ढक के रख गई थी, अब आई है, बोल रही थी पहले मैं गिलास में लेके पीऊँगी, मैंने कहा पी लो, बोली अभी मुझे खाना वगैरह नहीं खाना, केवल ये पीना है। तो यहाँ ये लेके आ गई कटोरी, और बोल रही थी मैं सबसे पहले रायता ही पीऊँगी, इसका ही मन था, मट्ठा घर का ताज़ा था ही। तो बोली थी सबसे पहले मैं रायता ही बनाऊंगी, तो खाना भी नहीं बनाया था, सबसे पहले रायता ही बना था, इसका ही मन था रायते का। और खाना बनाने के बाद में चलेंगे घर से, और यहाँ अभिषेक की पूरी बॉडी में हो रहा था पेन, उसे बुखार जैसा था। तो ये मैंने अपनी मेडिसिन किट जो रखी हुई, इसमें नॉर्मल दवा मैं रखती हूँ बुखार की, जैसे पेट दर्द की, सिर दर्द की, ये सारी दवाएं, तो वही मैं निकाल के उसको दे रही थी। और गोलू का ना कुछ ऐसा काम होता रहता है। ये देखिए हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था, तो इसने ये उसकी इस तरीके से कैप्चर किया, ये देखिए मतलब जैसे नाच रहा हो इस तरीके से उसने मोबाइल में कैप्चर किया था। और यहाँ देखिए हम और बेटी कहाँ के लिए निकल रहे हैं, आज घूम के आते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको घुमा भी देते हैं, मुझे दवा भी लेनी है, तो वहीं से हम लोग घूम के भी आएंगे। खाली खा लिया हम, नंदनी घूमने निकल आए हैं।
पैदल ही पूरा आज मैंने कहा, वैसे मैं निकल रही थी गांव के लिए, लेकिन मौसी बोली आज नहीं जाओ। मौसी का तो वैसे मन नहीं है कि नहीं जाऊं, है ना, तो बनी रहती जाएगा करेंगे, लेकिन अब इतनी दूर आई हूँ तो हो जाती हूँ, क्योंकि मौसी कुछ दिन बाद पेपर आ रहे हैं। एक दिन रुकी थी तो अभी जा रहे हैं मौसी के साथ घूमने। अब तो कुछ ठंडा हो गया। कहाँ जा रहे हैं वैसे? अपन लोग घर से निकल रहे हैं, कुछ आता पता है कहाँ जा रहे हैं? घूम घूम के आएंगे, कहीं ना कहीं घूम ही आएंगे। हवा तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने अपनी दवा ली जो मुझे लेनी हुई थी, क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी और यहाँ ही यहीं मिलती है, और तो वही मैं लेने आई हूँ। लेना था मेडिकल से, तो यहाँ पे नहीं था, हम लोग जा रहे हैं दूसरे टाइम तो बर्बाद किया ही वहाँ से आके ना। और एक दवा और पूछ रहे, मिल जाएगी? एक नहीं मिली दवा, एक तो मिल गई ना सामने। यहाँ पर आ गए हैं हम दूसरे मेडिकल स्टोर में, जहाँ पर गंदगी का भी सामान मिल जाएगा और मेरा भी, मुझे ग्लूकोज वगैरह लेना था और भी सारा सामान लेना था, तो यहाँ ही आ चुके हैं। और फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं राम जानकी के बाद में आ गए मंदिर यहाँ दर्शन करने के लिए। ऊपर फिर मैं आप लोगों को भी पूरा व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो ऊपर आके हम और नंदिनी ले रहे थे सेल्फी। हम लोग आए हैं राम जानकी मंदिर, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा। चलिए दर्शन कर लेते हैं और पूरी परिक्रमा करके। ये राम जानकी जी का मंदिर है, तो यहाँ ये देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ भजन चल रहे हुए थे, महिलाएं बैठी हुई, मतलब शाम के टाइम भजन होते ही यहाँ पे। और इसके बाद में मुझे लेने थे कुछ पौधे, तो यहाँ मैं देख रही थी मुझे कुछ पौधे लेने हैं जो गर्मियों के सीजन में लग जाते हैं। तो हालांकि हर पौधे तो नहीं लगते, इनके पास तो रखे रहते हैं, लेकिन जब घर में लगाते हैं ना तो फिर नहीं लगते, तो वही मैं वो पौधे वो छांट रही थी जो कि सीजन में लग जाएंगे। तो ये देखिए, मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे फूल, लग रहा था सारे इकट्ठे ले जाऊं मैं पूरे। नंदिनी बोल रही थी कि मौसी जी आपका तो हटने का मन ही नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि सारे पौधे इकट्ठे लेके चले जाओ, मैं लग तो ऐसा ही रहा है। और बस इसके बाद घूम के हम लोग निकल लिए घर को। यहाँ मैंने जो पौधे लिए है अब जाके घर पे लगाऊंगी। और घर आते ही ना इतनी जोर से प्यास लगी हुई थी, तो मैंने कहा पहले मैं ग्लूकोज का पानी पीती हूँ, इसके बाद मैं कोई और काम करूँगी, तो वही मैंने पिया हुआ। और यहाँ तब तक आ गया मम्मी जी का कॉल, तो बस होने लगी मेरी बातें।
अभी बनना है रात का खाना। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।